केवल देश को लूटने के लिए राजनीति में आए हैं। ये लोग कभी देश का किसी राज्य का भला नहीं कर सकते। आप परिवारवादियों का पूरा इतिहास उठाकर देख लीजिए, देश में जितने भी बड़े घोटाले हुए हैं उनके पीछे कोई न कोई परिवारवादी पार्टी ही मिलेगी। आप जरा सोचना, ये मीडिया के मित्रों को भी मैं होमवर्क देके जाता हूं कि आप सोचिए, देश में लाखों करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, किसका नाम आया? दिल्ली दरबार का संरक्षण और डीएमके परिवार की करतूत। देश में नेशनल हेराल्ड घोटाला हुआ, किसका नाम आया? कांग्रेस का सबसे बड़ा परिवार जो कांग्रेस पार्टी को चलाता है उनका नाम आया। देश में बोफोर्स स्कैम भी हुआ था, किसका नाम आया था? इसी परिवार का। बिहार में इतना बड़ा चारा घोटाला हुआ, कौन अपराधी साबित हुआ? बिहार में नौकरी के बदले जमीन घोटाला हुआ, किसका नाम आया? आरजेडी चलाने वाले उसी परिवार के लोगों का। इसी परिवारवादी भ्रष्टाचार का शिकार हमारा तेलंगाना भी हुआ है। परिवारवादी बीआरएस ने प्रदेश में कालेश्वरम घोटाला किया है, दिल्ली में हुए लीकर स्कैम में भी कट कमीशन खा लिया। इसलिए कांग्रेस हो या बीआरएस, इनसे जितना बचेंगे उनको जितना दूर रखेंगे वही इसकी दवाई है। इसलिए 13 मई को आपको वोटिंग के दिन याद रखना है।